हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल AGE इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई नई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अगर आपको कुछ नया सीखना है तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो जब भी आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं तो आपको जो स्टार्टिंग में स्क्रीन या इंटरफेस नज़र आता है तो सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आता है। तो यहाँ पर जो आपको छोटे छोटे आइकन्स नज़र आ रहे हैं इनको बोला जाता है डेस्कटॉप आइकन्स। इसमें कुछ शॉर्टकट भी हैं, कुछ फोल्डर्स भी हैं और कुछ हमारी फाइल्स भी हैं। तो जिनमें ऊपर के लिए एरो बना हुआ, ये हमारे शॉर्टकट हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो खाली एरिया पड़ा हुआ है इसको बोला जाता है डेस्कटॉप एरिया। अब यहाँ पर कुछ आपने देखा होगा कुछ गैजेट्स शो होते रहते हैं, जैसे घड़ी है, कैलेंडर है, वो यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा, उसको बोला जाता है गैजेट्स। तो अभी यहाँ पर वो शो नहीं हो रहे तो उनको शो करने के लिए आपको क्या करना है, माउस का राइट बटन प्रेस करना है और आपको गैजेट्स पे क्लिक करना है। अब जैसे गैजेट्स पे क्लिक करोगे तो आपको कैलेंडर, क्लॉक या कुछ इस तरीके से जितने भी गैजेट्स हैं यहाँ पर शो हो जाते हैं। तुम जैसे आपको अगर इनको चाहिए स्क्रीन पर तो आप इसको ड्रैग, इस पर डबल क्लिक कीजिए या फिर इसको माउस से ड्रैग करते हुए इधर आके छोड़ दीजिए तो कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पर ये शो शो हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। अगर आपको इन्हें क्लोज करना है तो आप सिंपल सा यहाँ पर आकर के क्लोज पर क्लिक कीजिए तो यहाँ से ये बंद हो जाएंगे। अब आप नीचे देखोगे यहाँ पर स्क्रीन के लेफ्ट साइड में बिल्कुल नीचे कॉर्नर में सर्कल सा बना हुआ है, इसको बोला जाता है स्टार्ट बटन। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये स्टार्ट मेनू ओपन होता है। तो यहाँ से आपका कंप्यूटर सिस्टम, जो भी आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो आप यहाँ से ओपन कर पाओगे। अगर आपको यहाँ पर नहीं शो होते हैं तो सिंपल सा ऑल प्रोग्राम्स पे आइए और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम का, जो भी आपका एप्लीकेशन है उसका, अगर आपको स्क्रीन पर शॉर्टकट बनाना है, यानी आप जैसे यहाँ पर आइकन उसका क्रिएट करना है शॉर्टकट, आप जैसे क्लिक करो और सीधे उसी प्रोग्राम पर पहुंच जाओ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप किसी का भी आपको शॉर्टकट तैयार करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर से आपको जिसका भी शॉर्टकट चाहिए आप उसको सिंपल सा पकड़ के ड्रैग कर लीजिए इस तरीके, तो ये आपका यहाँ पर शॉर्टकट तैयार हो जाएगा बनके। अब हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे सीधे एमएस वर्ड हमारा ओपन हो जाएगा, तो इसको चलिए हम हटा देते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये बिल्कुल नीचे स्क्रीन के सबसे नीचे एक पट्टी पड़ी हुई है, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाता है टास्क बार। इसका वर्क होता है, अब जो भी प्रोग्राम्स रन करते हो, सपोज मैंने नोटपैड ओपन किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर नोटपैड का आइकन्स बन के आ चुका है। तो आप जो भी प्रोग्राम्स रन करते हो वो आपको यहाँ पर शो होते रहते। अब आप नीचे इधर देखोगे इस टास्क बार के बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं, इसको बोला जाता है नोटिफिकेशन एरिया। तो यहाँ पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन आता है, अगर आप लैपटॉप यूज करो तो वहाँ बैटरी का ऑप्शन आता है, वॉल्यूम का ऑप्शन आता है, इंटरनेट का, तो इस सभी यहाँ पर बोला जाता है इसको नोटिफिकेशन एरिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो हमारा टास्क बार होता है इसको अगर आपको राइट में स्क्रीन के या लेफ्ट में या टॉप में ले जाना है तो आप कैसे ले जाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका टास्क बार है इसकी खाली जगह पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही आपको यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर लॉक द टास्क बार लिखा हुआ है, अगर ये यहाँ पर टिक लगा हुआ तो अभी अगर आप इसको मूव करेंगे लेफ्ट राइट टॉप में तो ये मूव नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, लॉक द टास्क बार को हटा देना है। अब जैसे इसको हटा दोगे अब यहाँ पर ये टिक हट चुका है, अब आपको क्या करना है, अब इसको अगर जिधर भी चाहिए आपको सर राइट में, लेफ्ट में, टॉप में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको पकड़ के ड्रैग कीजिए। अगर आपको राइट में चाहिए तो इस तरीके से आके छोड़ दीजिए तो इधर राइट में आ गया, अगर आपको टॉप में चाहिए तो आप इसको पकड़ करके ऊपर के लिए छोड़ दीजिए तो ये ऊपर के लिए हो गया। अब अगर आपको फिर से नीचे चाहिए तो हम नीचे आके पकड़ के इस तरीके से छोड़ दीजिए तो अभी ये इस तरीके से मूव हो जाएगा। अब आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर से इसको लॉक द टास्क बार पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर दोगे तो ये फिर से लॉक हो जाएगा और अब आप इसको ना ही राइट में मूव कर पाओगे, ना ही लेफ्ट में, ना ही टॉप में।
तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जो यहाँ पर आपको आइकन्स नजर आ रहे हैं डेस्कटॉप आइकन्स, इनको छोटा बड़ा कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, माउस का राइट बटन प्रेस करना है और यहाँ पर व्यू लिखा है, अब यहाँ पर लिखा है लार्ज आइकन्स। आप जैसे लार्ज आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये छोटे छोटे नजर आएंगे, बड़े बड़े आपको यहाँ पर शो होने लग जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब अगर इनको आपको मीडियम में लाना है तो फिर से व्यू पर जाओगे और मीडियम आइकन्स पे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरीके से मीडियम आ गए। तो अगर आपको बिल्कुल छोटे करने हैं तो आप स्मॉल आइकन्स पे क्लिक कर देना, कुछ इस तरीके से ये और छोटे हो जाएंगे। अगर आपको इन सभी को और ज़्यादा जूम करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबा के रखना है और माउस का जो स्क्रोल व्हील होता है उसको आपको अप डाउन करना है। जैसे अप डाउन करोगे तो ये काफ़ी बड़े होंगे और छोटे होंगे, आप उनको वहां से भी जूम आउट और जूम इन कर सकते हो। अब नेक्स्ट में व्यू में ऑप्शन आ रहा है ऑटो अरेंज आइकन्स का। अब यहाँ पर ये टिक लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जितने भी हमारे स्क्रीन पर ये आइकन्स नजर आ रहे हैं ये अपने आप ही एडजस्ट होते रहते हैं। तो अगर यहाँ से आप किसी भी फोल्डर को पकड़ के राइट में स्क्रीन के या कहीं भी मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगा, देखिए कुछ इस तरीके से। मुझको यहाँ पर इसे छोड़ना है तो यहाँ पर जैसे हम छोड़ेंगे वो यहाँ पर आ गया, यानी इधर नहीं रुका। तो आप कोई भी इस तरीके से कोई भी आइकन है या कुछ भी है फोल्डर है आप उसको मूव करोगे तो ये अपने ये इधर जगह में ही आ रहा है, यानी कोई भी स्पेस नहीं छोड़ रहा है, बिल्कुल एडजस्ट हो रहा है। तो अगर आपको स्क्रीन पर जितने भी आइकन्स हैं आपको कुछ आइकन्स राइट में रखने हैं कहीं भी रखने, तो उसके लिए आपको माउस का राइट बटन क्लिक करना है, व्यू में आना है और ऑटो अरेंज आइकन्स को हटा देना है। अब जैसे इसको टिक लगा होगा उसको आप हटाओगे, अब आपके इधर भी जिधर जाओ उधर आप रख सकते हो कुछ इस तरीके से, कोई भी फोल्डर हो सकता है, कोई भी फाइल हो सकती है। अब अगर आपको लगता है कि ये जो फोल्डर्स हमारे स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं और उनको आपको एक साइड से बिल्कुल लगाना है तो आपको राइट बटन क्लिक करना है माउस का, व्यू में आना है और ऑटो अरेंज आइकन्स पे क्लिक कर देना है, तो ये अपने अनुसार ही यहाँ पर ये सेट हो जाएंगे एक तरफ से। ऐसे सेम इसका वर्क होता है अलाइन डेस्कटॉप टू ग्रिड, जैसे सेम इसका वर्क होता है वैसे इसका काम होता है, आप कर लेना। नेक्स्ट में ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं शो डेस्कटॉप आइकन्स। अब यहाँ पर ये टिक लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको जितने भी आइकन्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, आप जैसे इसको हटा दोगे तो यहाँ पर जितने भी आइकन्स हैं वो गायब हो जाएंगे, यानी हाइड हो जाएंगे, तो आप किसी तरीके से इसको नहीं ला पाओगे। यहाँ पर आपको कोई भी आप फोल्डर बनाओगे कुछ भी बनाओगे आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। तो इनको फिर से शो करने के लिए आपको राइट बटन क्लिक करना है, व्यू पर जाना है और शो डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक कर देना है, तो जितने भी आपके डेस्कटॉप पर आइकन्स होंगे वो सभी शो हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर नेक्स्ट में और ऑप्शन आ रहा है शो डेस्कटॉप गैजेट्स का। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि डेस्कटॉप जो भी हमारे गैजेट्स होते हैं उनको शो कैसे करते हैं, तो वो यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहे होंगे तो हम जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ से हट जाएंगे, जैसे भी हमारे आइकन से हाइड हो गए थे। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।